तो ये देखो भाई ट्रक, देखो भाई ढाबे की मेन। अपने नाइजीरियन में बात करते हैं, चचा चालू करो। मतलब यहाँ पे फैमिली का भी है रेस्टोरेंट, मतलब हाँ फैमिली का डिपार्ट अलग है और गार्डन वगैरह भी बनाया हुआ है। तो अभी खाने के बाद अपन एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा फिलहाल। बच्चे लोग का जो खेलने कूदने का है, हाँ चार भाई जच्चा का लज्जत वाला पापड़ है। तो भाई भूख लग रही थी तो ऐसा हो जाता है, उल्टा निकल जाता है मुंह से, पहले पापड़ खाता हूँ मैं चना। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केमो नाचो कसा काय, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं ढाबा जो कि भिवंडी में, और मेरे साथ में अभी फिलहाल मेरे भाई लोग हैं, ये मेरे कजन ब्रदर्स हैं हैदर भाई, असमत भाई, और एक भाई आ रहा है, और बाकी के लोग कार में आ रहे हैं, अपनी इनोवा आ रही है। तो अभी आप लोग को उनसे भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं, उन लोग आते हैं तो मिलवाते हैं, कौन कौन है और कौन सा ढाबा जा रहे हैं वो भी बताते हैं भाई आपको। बस वीडियो में बने रहना, अपने ब्लॉग में बने रहना, और नए हैं तो क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब फटाफट से। तो भाई एक भाई ये था आने वाला था जो ये आ चुका है। तो असमत भाई अभी अपने इनोवा में कितने लोग आने वाले हैं, और वहाँ से पांच लोग रहेंगे? ज्यादा ही लग रहे भाई, उम्मीद तो ज्यादा है, पहले तो सब नहीं बोल रहे, आखिरी में दबा गए हैं। तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो अभी देखो अपना ही डाउट हो रहा है, छत पे बैठ के जाएंगे, छत पे बैठ के भाई जाएगा भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। अभी देखते हैं फिलहाल आती इनोवा तो उसमें जगह है कि नहीं, बाकी मूड तो पूरा था भाई जाने का, रास्ते में ही हो जाएगा भाई। लोग अपनी ये गाड़ी आ चुकी है, इसी में अपने को जाने गए। पब्लिक तो देखो पहले से भरी हुई है इसमें, 1 2 3 4 5 लोग है भाई, अपन कहाँ बैठेंगे भाई। फाइनली बैठ गए हैं अपनी कार में और निकल गए ढाबे के लिए, कैसे भी करके एडजस्ट करके बैठ गए। यहाँ पे जगह की थोड़ी किल्लत है, दिक्कत होता है, बहुत किल्लत है। और अपने भाई लोग देखो, ये मिला तो मैं आपको बोला था, ये अरशद है और अफजल भाई, अपने बाकी ये अजमल चचा है, इनको बोलते हैं कसाब, इनको कसाब बोलते हैं भाई, देख लो ध्यान से, बहुत आड़े है। और अपने एक चिरागी बाबा भी करके कोई था, अच्छा ये क्या, ओह ये अपने चचा हैं, ये भी चचा लगे। तो अपने पूरे ग्रुप मेंबर खानदान वाले ही है ना, तो खानदान वाले ही मिलके जा रहे हैं, ऑलमोस्ट बोले तो लगभग नहीं, बाकी सब खानदान वाले ही है। तो अभी ढाबे में मिलेंगे डायरेक्टली आपको, थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश करूंगा, रात है अंधेरा है तो कुछ खड़े तो नहीं बोल रहा भाई। अच्छा मैं सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश करूंगा, बाकी यहाँ आपस में सब बात कर रहे हैं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए मिलता हूँ ढाबे पे। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं ढाबे की लाइन में, और हम लोग को जाना है नवाब ढाबा। तो ये अंदर की तरफ पड़ता है नवाब ढाबा, इससे पहले वाली जो ढाबे की वीडियोस थी, मैं आया था ढाबे में तो भाई 9,000 रुपये बिल आ गया था उसमें, बहुत ज़बरदस्त, जितने भी आए थे सब मतलब घबरा गए थे, 9,000 रुपया भाई कैसे भरेंगे, बाकी सबके पास पैसा था, कॉन्ट्रो करके भर दिए। तो अभी देखो ये हंस रहे हैं यहाँ पे बैठ के, चचा बोले 9,000 कैसे आ गया। तो अभी अंदर की तरफ है ये ढाबा, तो इतना कुछ लाइटिंग वाइटिंग, मैं इसमें पहली बार जा रहा हूँ तो इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ में, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अभी उतरते हैं फिर देखते हैं कैसा सजावट है, और थोड़ा देख सकते हो आप लोग कैसे बैठा हूँ दबके यहाँ पे, क्योंकि लोग थोड़ा ज़्यादा हो गए थे। फाइनली पहुंच गए हैं नवाब ढाबे पे, ये अंदर की तरफ है ना असमत भाई, ये अंदर की तरफ है, एक हाईवे पे भी है वो नहीं आना अपने को, अपने को अंदर की तरफ आना है, करिश्मा ढाबा के आगे से अपने को अंदर रोड गई है, करिश्मा के जस्ट आगे से अपने को लेफ्ट मार के अंदर आना है भाई। जिसको भी आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं रहेगी, नंबर नहीं रहेगा, आप लोगों को गूगल पे सर्च करके आना ही, अंदर की तरफ वाला नवाब ढाबा है। और हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी ग्रुप देखे भाई, अपनी ग्रुप गाँव के ब्लॉग शूट नहीं हुए, नहीं तो बहुत मजे आते थे, सबसे ज्यादा मजे ये चचा, और ये चचा अपने इनका पेट नेम है चिरागी बाबा, नथिंग सीरियस। तो ये देखो भाई ये नवाब ढाबा और ये एंट्रेंस है, बाकी क्या काम किया गया, मतलब अभी जितने भी ढाबे हो रहे हैं ना भाई उसमें थोड़ा काम किया गया है, ऐसा पब्लिक फोटो खिंचा सके आगे। तो जो बात कर रहे थे नवाब ढाबे से, उससे क्या बोलते हैं कंटेंट उसकी बहुत ही बेहतरीन, और अपनी ग्रुप फोटो मतलब इसमें से ले लेंगे फोटो,
ग्रुप है भाई, सबसे इंट्रोड्यूस कराना है भाई, तो करवाते हैं। सबका नाम ये है अपने अजमल चचा और अपने अब्दुल हादी इदरीसी, अफजल भाई, हैदर भाई, राशिद भाई, हसमत भाई, अरशद भाई, नफीस भाई और ये अपने चचा हैं। चचा आपका नाम बताओ। सगीर अहमद इदरीसी। भाई मजाक मत उड़ाओ, अपने चचा है वो। चलो चलो जाएंगे। बाकी हाँ आपको और भी दिखाते हैं भाई, धूम्रपान मना है। तो ये देखो भाई ट्रक, देखो भाई ढाबे की मेन, ये देखो। बाकी है भाई आज सैटरडे है तो क्राउड भी मजबूत वाला है, जैसे कि देख सकते हो आप लोग ये वाला। तो असमत भाई कहाँ बैठेंगे? इसमें हाँ, तो असमत भाई एक्सपीरियंस वाले, तो असमत भाई को आगे बढ़ाओ। चार से पाँच बार आ चुके हैं, अच्छी बात। हाँ एक्सपीरियंस होल्डर है। टॉयलेट का रास्ता उधर है। हाँ कौन सा वाला? हाँ इस पे बैठ जाएंगे अपन आराम से, मचाए लगता है। जॉइंट करवा देंगे ना? जॉइंट तो हो जाएंगे। राइटर्स को जॉइंट ये इधर। किसी बैठ जाओ ना, खाली है ना ये किसी का नहीं। आ जाओ। चलो भाई ये भूख हो गई है तो इसी पे बैठते हैं। और आपको तो भाई कोई नमाजी वगैरह है तो उसके लिए मस्जिद का भी बनाया गया है, मस्जिद भी है यहाँ, नमाज भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ का टॉयलेट ये देखिए, वजू खाना है ये, और यहाँ पे वॉश बेसिन और ये टॉयलेट है। बाकी क्लीन दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है, अच्छी बात है। असमत भाई यहाँ पे मतलब यहाँ पे फैमिली का भी है रेस्टोरेंट, मतलब हाँ फैमिली का डिपार्ट अलग है। और गार्डन वगैरह भी बनाया हुआ है, तो अभी खाने के बाद अपन एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा फिलहाल। बच्चे लोग का जो खेलने कूदने का है हाँ, उसके चार्जेस है। चार्जेस है जैसे इलेक्ट्रिक बाइक हो गए हाँ, जो भी है झूला वाला फ्री है हाँ, बाकी जो लोग उसके चार्जेस है अलग से। तो अभी टेबल पे बैठ गए हैं और अभी खाने के बाद में चलेंगे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, देखेंगे कैसा है। अभी इससे पहले जितने भी ढाबे में गए हूँ ना, उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। हर टाइम पे भाई कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, इसके लिए बोलते हैं आओ ऐसे जगह पे तो कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ में आओ, जो कि असमत भाई के अंदर फूट फूट के भरा हुआ है। इसके लिए असमत भाई के साथ में ग्रुप आई हुई, ये ग्रुप में अपन पहली बार आए हुए ना, तो ये ग्रुप में हम लोग पहली बार आए हुए। इंशाल्लाह अगले टाइम भी कोशिश रहेगी कि आएंगे। थोड़ा रुक रुक के देखिए। तो भाई ये पहला स्टार्टर चना आ चुका है, अभी पापड़ आना बाकी है। पापड़ आ चुका है, चना बाकी है। तो भाई पापड़ आ चुका है, पापड़ आ चुका है, चना आना बाकी है। तो भाई सब शुरू हो गए, ये अभी पापड़ खाते हैं थोड़ा भाई। तो भाई भूख लगी रहती तो ऐसा हो जाता है, उल्टा निकल जाता है मुंह से, पहले पापड़ खाता हूँ मैं, चना आ रहा है। चावल सही है, लज्जत भाई चचा का लज्जत वाला पापड़ है। महंगाई देख सकते हो, कांदे की प्लेट में चार स्लाइस कांदे के रखे हुए, कांदा महंगा हो चुका है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट आइटम ये चना है, ये देख लो चना और लस्सी, ये आया हुआ भाई एकदम फ्रेश, ये तो भरा भरा रखा हुआ है। एक डिश आती रहेगी, आपको दिखाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और लास्ट में सजेस्ट करेंगे असमत भाई यहाँ पे आके आपको क्या खाना चाहिए, और आपको घुमाएंगे भी ढाबा। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस ये है नवाब ढाबे का बारकोड, इसको आप लोग स्कैन करोगे तो आपको मेन्यू आ जाएगा, हाँ पूरा मेन्यू आपके सामने आ जाएगा क्या क्या यहाँ पे है। तो आप लोग ये स्कैन करके मेन्यू देख के भी आ सकते हो, आपके पसंद का खाना है या नहीं है यहाँ पे। अभी चना और लहसुन पापड़ वापड़ जो भी खाना था वो खा के ख़त्म कर चुके हैं और अभी दूसरे नेक्स्ट आइटम के लिए वेट कर रहे हैं। हाथ देखो रंगोली के ऐसा रंग गया है, ये सेजवान चटनी का असर है। ये चचा देखो अपने नाइजीरियन में बात करते हैं। चचा चालू करो। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दीजिए। और खाने के लिए तैयार है। अच्छा अच्छा वापस रिपीट करो। खाने के लिए तैयार है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, खाने के लिए तैयार है।
चचा कोई दूसरी बात बताओ, ये यूएस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नाइजीरिया में बयान करता था अकबर जिमा दम महला जिम बकुल जान वहां खाज भी खाम भी बात राम ने वो महान की बकुल भाई ये बिग बॉस में बिग बॉस में वो तहलका है ना नाइजीरियन में बात करता है सेम चचा भी वैसी बात कर रहे हैं नाइजीरियन में भाई ये पहली डिश आ चुकी है पापड़ और चने के बाद में। इसमें क्या क्या है हसमत भाई? हसमत भाई ये डिश में क्या क्या है स्टार्टर में? ये अपना पहाड़ी है, इधर देखो ये पहाड़ी है हाँ, और ये डबल इक्का, डबल इक्का, ये दोनों आइटम भट्टी वाला, भट्टी वाला आइटम है, नो ग्रेवी। ओके भाई अभी ग्रेवी भी आएगा ना? हाँ इसके बाद ग्रेवी है, तो ये टेस्ट करते हैं बता दें। आपने टेस्ट कर लिए कैसा लग रहा है? अच्छा है, जबरदस्त। चचा अपने नाइजीरियन भाषा में बताओ, नाइजीरियन भाषा में मीम शमाही अच्छा सही है अच्छा हो जाएगा वो मीम शमाही। ये डबल एक का ट्राई करते हैं कैसा है बताते हैं, भट्टी वाला आइटम है। अच्छा है वो भी, सही है भाई। ग्रीन चटनी होती तो और मजा आता, ग्रीन चटनी होती तो मजा आता था। बाकी यहाँ पे सैलेड वगैरह तो है, कांदा चटनी बनाना पड़ेगा। ये सही है, और वो कौन सा था दूसरा वाला? डबल इक्का तो ट्राई किया, और दूसरा कौन सा था? पहाड़ी चिकन, पहाड़ी। तो अभी ये चिकन पहाड़ी, ये देखो चिकन पहाड़ी है, लेग पीस मिली है अच्छा तुमको, और थोड़ा सा स्पाइसी है, नाबालिग मुर्गी का लेग पीस मिला इनको। चिकन पहाड़ी भी मस्त है भाई, बेहतरीन। ग्रीन चटनी भी आ चुकी है। तो दोस्तों ये आ गई है अगली डिश, इसका नाम है चिकन लपेटा। तो तंदूरी रोटी के साथ में है। इधर असमत भाई टेस्ट कैसा है? लाजवाब, बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन। अफजल भाई आप कैसा लग रहा है आपको? हैदर भाई आप भी एक रिव्यू दे ही दो। बहुत बढ़िया है ऐसा अच्छा, मतलब नवाबों, नवाब ढाबे में आके नवाबों के जैसे बात करोगे? अच्छा रोटी से लपेटी है ये हमारे नाइजीरियन चचा। मेरी टेस्टी, मेरी टेस्टी। बिस्कुट का नाम लेता क्या भाई? मैं भी टेस्ट करता हूँ कैसा है और आपको बताता हूँ कैसा है। इसको मोबाइल यहाँ लगाते हैं, बरोबर लग गया है। नवाब को मारने के लिए तंदूरी लेते हैं, ये तंदूरी और डिप कर दे भाई। बाबा दोस्त लेना है, मस्त स्पाइसी नहीं खाते, जो स्पाइसी नहीं भाई प्लेट हटा होना है। दोस्त ले रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। ऑलरेडी दो बोटी है, ज़्यादा नहीं चलेगी रोटी तो। बेहतरीन भाई, बोल दो तीखा नहीं रोटी और ले गया ना भाई, हटा के ले जा, 10 रोटी ले जा, 10 मत मंगाओ, नहीं 15 ये 15 मत बोल, तू खा ना, तू मैं मंगा रहा हूँ 10 लेगा 10। जैसे आपको पता होगा नाइजीरियन लोग की खुराक बहुत ज्यादा रहती है, तो चचा 10 रोटी खाने वाले हैं अपने। मैं खाता हूँ, मिलता हूँ दूसरी डिश। तो भाई ये आखिरी डिश है दाल खिचड़ी, सादा और सिंपल। इतना खाने के बाद में ये चलता है, हैवी हो जाता था नहीं तो। और ये सब खा रहे हैं भाई, दाल खिचड़ी का टेस्ट भी अच्छा है, तो इसको खाता हूँ फटाफट और मिलता हूँ, घूमते हैं फिर आपको दिखाता हूँ मैं ये नवाब ढाबा। तो अरशद भाई हम लोग निकले थे 9 बजे के करीब में, और अभी बज रहा है 4:30। तो भाई पूरा पैकअप हो चुका है, ये ढाबे में थोड़ा घूम के आपको एक राउंड दे देता हूँ। ये सेल्फी पॉइंट एक ये भी है, और ये अपने दो भाई लोग आ रहे हैं घूम के, अंदर प्लेग्राउंड भी है, और हाँ मतलब झूले उले हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं। देखिए झूला है और ऐसा प्लेग्राउंड बना हुआ है, आप यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी है, खेल सकते हो। जैसे कि ये जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं, ये सब टॉयज़ रख चुके हैं, ये सब देखिए क्रिकेट टर्फ वर्फ सब बना हुआ है, यहाँ पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं आप लोग, देखिए ये। और आगे आ जाओ अरशद भाई, आगे देखेंगे दूसरी जगह पे, ये था। और देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग जगह रहती है तो वो दिखाते हैं। अरशद भाई एक ये सेल्फी पॉइंट पे मेरे को जरा कैप्चर करो ना, कैसा है ये सेल्फी पॉइंट? ऐसा
स्मार्ट प्ले कितने बनने का बच्चे लोग का बाकी अपनी एक बार ट्राई कर लिए। वो रहता था ना विंग्स रहता था ना वो जो सेल्फी लेते वो उसमें बहुत मजा आता है उसमें मजा फोटो आने में। और बाकी सब बंद हो चुका है भाई, 4:30 बज रहे हैं सुबह के। अभी हम लोग पहुँचते ही हम लोग को पहुँचते ही बज जाएंगे। कितने बजेंगे? 5:30 तक का तो हो जाएगा, डेढ़ घंटा लगेगा, 6 बज जाएगा ना, वही मैं डेढ़ घंटा मैक्सिमम बता रहा हूँ। हाँ तो भाई सब पैकअप हो चुका है और हम लोग भी निकलने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अपना कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, खा पी के एकदम मस्त हो गए और अभी निकल रहे हैं घर के लिए। अभी कुछ बजते होंगे 4:40 होते होंगे और काफ़ी लेट हो गया इस बार। अभी जाना है और सीधा सोना, और ये व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। अच्छी लगी होगी तो व्लॉग लाइक ज़रूर करना, नहीं भी अच्छी लगी होगी तो भी करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ अगले व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।